वो हाथ खड़ा करे। ऐसा है, आप लोगों को छोटे बच्चों को भी अभी समझाना है, जिनको वैक्सीन लगी हुई है, जिनकी उम्र पूरी हो गई है, एक काम तो आप लोगों ने ये करना है, समझ गए? नहीं तो तुम्हारी मॉर्निंग असेंबली नहीं होगी। कैसे होगी? ऐसे खाम खा कोई और वायरस के शिकार हो गया, अभी कोविड खत्म थोड़ी ना हुआ। इसीलिए जो प्रिकॉशंस टीचर लोग बता रहे हैं वो हम लोगों को लेने चाहिए। 10,000 का इंजेक्शन अगर फ्री में लग रहा है तो काहे नहीं ले लेते? तेरे को ठंड होती है, बीमार है, क्या हुआ? बुखार होता लोगों, क्यों हंस रहा है तू? मैंने कहा है जिसको पूछा जाए उसी ने जवाब देना हो। खाम का हंसना नहीं होता है। यहाँ कोई मदारी का खेल चला हुआ तो खेला चला हुआ देन भाई यू आर लाफिंग। क्लास में भी तुम लोग ऐसे करते होंगे, जिसको जब जब जो जो पूछा जाए, जो यहाँ चार बोर्ड की तरफ देख रहा है वही हम लोगों को देखना है। मोबाइल किस किस के पास है, हाथ खड़ा करे। मैंने बैग भी चेक करने हैं, कौन कौन लाया था आज, ऐसे दुर्भाग्यवश लाया था, हाथ खड़ा करो जल्दी, मुझे पता किस किस के पास है, फिर निकलेगा तो फाइन होएगा। खड़ी हो, तू काहे को हंस रही है? खड़ी हो, कहाँ है तुम्हारा मोबाइल? मोबाइल दिखा अपना, नहीं है तुम्हारे पास है, खड़े हो जाओ। किस लिए लाए थे मोबाइल? हाँ जी, तूने काहे को बनाना? अपने बाप को बोलना, ब्रदर को बोलना। कौन सी क्लास में हो? ऐसा है, बैठो, जिस उम्र में जिस चीज की जरूरत है वो ही यूज करनी चाहिए। थोड़ी देर, अभी हम लोगों को कोविड का दौर चल रहा था तो सरकार ने कहा मोबाइल इस्तेमाल करो, तो तभी करना था। अभी तो आपकी क्लासेस जो है वो यहीं पे लग रही है, तो मोबाइल की क्या जरूरत है? जरूरत है कोई? तो इसीलिए मोबाइल का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए यहाँ स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं है। टीचर्स को क्या दिया हमने कि जो मोबाइल बिना कहे बिना सुने ला रहा है उसको जो है वो अलाउ नहीं करना है, समझ गए? और ये नहीं करना है। और जो छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन जिनको होनी है, जिनकी उम्र पूरी हो गई है, उनको वैक्सीन करवानी है, एक काम ये करना है। दूसरा, नाइन्थ और टेंथ वाले ये समझ लें, तेरी कॉपी है दिखा दो सही, काहे को खोल के रखी थी? बाकी लोग नहीं खोलेंगे, जिसको कहा जाए वही खोलेगा। जब अभी पढ़ने का है ही नहीं तो पढ़ना ही नहीं है। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? जिस समय जिस स्थिति की जो जरूरत हो वही करना है, सीधा है। कौन सी क्लास कब सुधरेगी? कल से आप लोग एक काम और करोगे, घर से करके आओगे। मैंने किसी दिन भी रैंडमली चेक करना, आज का दिन नोट कर लो, आपको निकालो अपने अपनी रफ कॉपी, रफ कॉपी है सबके पास? तुरंत निकालो, शोर नहीं करना है, किसी को बोलना नहीं होता है, अपना बैग पकड़ा और जिसको बैग नहीं पकड़ में आ रहा सिर्फ अपने साथी को बोलना होता है, शोर करने को नहीं बोला है। तू बैठ जा, रफ कॉपी है ये बात छोड़ ना करे थी जब घटना लगाए, ये बाकी लोग बैठ रहे हैं ना करे, यहाँ कोई बोले गुलामी करे यहाँ, ये तुम्हारी मिठाई सब पेंट है, सब पेंट है, सही नहीं है, निकल जा, निकल आई मिठाई पता है। एक काम नोट करो, सबने निकाल लिया अपने कॉपी पेंसिल, मैं सबका कोई छूट गया तो फिर ना बोलना, बाहर फेंक दिया, ये समझ जाओ बात, मुंह में क्या जमा रहा है, मास्क के नीचे खड़ा हो। क्लासरूम में आओ तो देर इज नो बबल गम एट ऑल, खराब होती है। यहाँ पर टीचर क्या पढ़ा रहा है तुमको क्या समझ आएगी?
इसीलिए जब टीचर इसका इस्तेमाल करे तो इसका मतलब है कि इधर ही होना चाहिए। ये क्लासें लगती है तुम्हारी सारी? यस सर। ये क्या लिखो? ये क्या लिखो पढ़ के बता। मैं पकड़ तो आवे हाथ में है जो ये बाहर शोर ना करे भाई साहब।